जिले के रामंगर ब्लॉक की गौशाला देखने एवीपी भारत न्यूज उत्तर प्रदेश के हेड कमलदास बापू अचानक रामंगर की गौशाला पहुंचे। गौशाला और गौशाला की व्यवस्था देखी। बापू ने रामंगर गौशाला में उपस्थित रामंगर ग्राम प्रधान राजकरण से गौशाला की जानकारी ली। जानकारी से संतुष्ट होकर ग्राम प्रधान को बधाई भी दी। तहसीलदार साहब आए हैं, एसडीएम साहब भी आ चुके हैं और लेखपाल साहब भी आए हैं और उधर बीडीओ साहब तो आते ही हैं। भूसा कोई दान दाता देता है कि खरीदने पर? सर भूसा सर केवल एक अखिलेश पांडे हैं, उन्होंने 5 लाख नहीं, वो नहीं आए हैं। ब्लॉक प्रमुख पांडे जी नहीं आए हैं। ब्लॉक प्रमुख वैसे मुलाकात उनसे होती है, ब्लॉक में होती है। कितने कर्मचारी हैं आपके? मेरे यहाँ 6 कर्मचारी हैं, इस समय 4 हैं। जी, 2 छोले छुट्टी लेके चले गए हैं, घर में कुछ काम था इसलिए। चारों का वेतन सब अब इधर से इधर उधर से हम ही देते हैं। आज तो बहुत गंदगी है यहाँ सब। अभी जो है लेबर आएगी तो साफ करती है, लेबर अभी आई नहीं है। अभी लेबर आएगी तो जो है साफ करके के बाद जानवर ढेल देगी। पहले साफ करेंगे। पानी के बारे में कुछ सोच रहे हैं करवाने के लिए? बस सर अब जो है मशीन, बड़ी मशीन बुलवाया हूँ। अब जैसे मशीन बड़ी वाली आ जाएगी प्रेशर वाली, तो बाहर मशीन खड़ी होकर के जो है बोर करवाना है, बड़ा बोर करवा देंगे पानी की समस्या। और जो है अभी टैंकर से मैं पानी जानवरों के लिए पीने के लिए भरवा देता हूँ। ये है रामनगर जिन्होंने गौशाला के बारे में बताया। बोर सक्सेस नहीं हुआ, फिर अभी लगे हैं टैंकर से पानी के, बताया कि वहाँ से आते हैं, यही बैठे मिली। अभी सफाई के बारे में बताया कि अभी थोड़ा देर में सफाई यहाँ की होगी। 9 लाख रुपया? हाँ सर, हम ज़्यादा इसी तरह एस्टिमेट देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं है मुझको, इस तरह आया था। हाँ, और उन्होंने बताया कि सारे अधिकारी आके देख गए हैं गौशाला को, आज हम भी आए हैं आज देखने के लिए। तो कमलदास बापू, एबीपी भारत की रिपोर्ट।